कंगना रनौत, क्या याद आया, विवाद सही पकड़े हैं, एक दूसरे के पर्यायवाची हो गए हैं। जहां जहां कंगना वहां वहां विवाद, और विवाद भी कोई ऐसा वैसा नहीं, बल्कि इस बार तो मैडम ने कुछ ऐसा कह दिया कि न सिर्फ उनके पद्मश्री को वापस लेने की मांग हो रही है, बल्कि एक्ट्रेस को गिरफ्तार करने के लिए एक स्वर में आवाज बुलंद की जा रही। आपको याद होगा कंगना ने हाल ही में साल 1947 में मिली आजादी को भीख बता दिया था, उसके बाद से ही वो चारों ओर से घिर गई। बीजेपी सांसद वरुण गांधी हो, शिवसेना हो, आम आदमी पार्टी हो या फिर कांग्रेस, सभी ने कंगना के इस बयान को देशद्रोही करार दिया है। और अब एनसीपी नेता नवाब मलिक ने कंगना की गिरफ्तारी की मांग की। नवाब मलिक ने कंगना के विवादित बयान पर कहा, हम कंगना रनौत के बयान की कड़ी निंदा करते हैं, उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान किया, केंद्र को उनसे पद्मश्री वापस लेना चाहिए और उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए। ऐसा लगता है कंगना रनौत ने इस तरह का बयान देने से पहले मलाना क्रीम यानी कि हशीश, एक विशेष किस्म की ड्रग्स होती है जो हिमाचल में उगती है, उसकी भारी खुराक ली है। बता दें हाल ही में कंगना रनौत को पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया है। कंगना ने देश की आजादी पर विवादित बयान दिया था और ये बयान उनका पद्मश्री सम्मान मिलने के बाद आया है, जिस पर अब बवाल हो रहा है। कंगना ने एक न्यूज चैनल के इवेंट पर बात करते हुए कहा था, भारत को सही मायने में आजादी 2014 में मिली है, 1947 में भीख में मिली थी। अब कंगना की यही बातें सबको चुभ रही है, सोशल मीडिया पर वो ट्रोल हो रही है। वैसे आपका इस खबर पर क्या कहना है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। बॉलीवुड से जुड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे साथ बने रहें।